गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम यू ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर क्लास। आई एम मिसेस अनुजा पांडे, आई एम एन इंग्लिश टीचर इन नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पाल। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट द होम। बच्चों, आज हम अंग्रेजी व्याकरण में जो हमारा सारांश है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम अंग्रेजी व्याकरण में इसका हम डिस्कशन करेंगे और आपको इसके कुछ एग्जांपल भी बच्चों हम बताएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहाँ पे यूज़ होता है। ओके, पहले इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहाँ पर कैसे यूज़ होता है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो हम इसे कैसे पहचान लेते हैं, आइए देखते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, आए, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा पॉजिटिव फॉर्म्स। अब हमें पता तो चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में क्या शब्द हमारे आते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी पॉजिटिव फॉर्म्स देखेंगे कि कहाँ पर कैसे इसका हम यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे तीन सेंटेंसेस आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पॉजिटिव फॉर्म्स के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पॉजिटिव फॉर्म्स क्या होती है। आई एम गोइंग और आई एम गोइंग। ओके, इसके साथ यू वी दे आर गोइंग और यू वी दे आर गोइंग का यूज़ होता है। ही शी इट के साथ गोइंग एंड ही शी इट्स के साथ भी हम गोइंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा साधारण वाक्यों में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हिज आएगा, इज एम आर हमारी फॉर्म लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ होगा एंड लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाई जाती है। ही शी इट नेम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ इज और आई के साथ एम का यूज़ होता है और वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ आर का हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बच्चों हम आपको इसके कुछ एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो इस पे हमारा सेंटेंस आएगा आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसमें जो हमारी फॉर्म लगी वो एम और गोइंग, इसमें हमारा गोइंग शब्द भी यूज हमारा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ही के साथ हमारा गोइंग यूज गोइंग हो रहा है, यानी हमारी फॉर्म हमारी यूज हो रही है। नेक्स्ट वह स्कूल जा रही है, सी इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। देखो यहाँ पे भी वी और आर हमारा यूज हो रहा है वी के साथ। नेक्स्ट तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर के साथ हमारा गोइंग यूज हो रहा है। नेक्स्ट वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो ये तो थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे कैसे किसके साथ कौन सा वर्ड हमारा यूज होता है। नेक्स्ट अब हमारा आ जाएगा निगेटिव फॉर्म्स। निगेटिव फॉर्म्स यानी नकारात्मक सेंटेंस। अब आगे हम देख लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या दिया गया है। निगेटिव फॉर्म्स, आई एम नॉट गोइंग और आई एम नॉट गोइंग, हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग या शॉर्ट में आई एम नॉट गोइंग।
यू वी और दे आर के साथ नॉट गोइंग और यू वी दे आर के साथ आर नॉट गोइंग का हम यूज करेंगे. नेक्स्ट ही सी इट इज नॉट गोइंग एंड ही शी इट इज नॉट गोइंग व्हाट हमारा यूज होगा. नकारात्मक सेंटेंस यानी निगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से है. सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज है, नॉट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा आई एन जी लगेगा और ऑब्जेक्ट हमारा यूज होगा. तो सबसे पहले बच्चों निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे निगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे. ओके, नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया है. अब हम इसके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब इस एम आर के बाद नॉट का यूज किया जाता है. और सबसे पहले हम अपने एग्जांपल देख लेते हैं. ओके, तो हमारे एग्जांपल इस तरह से हैं, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ. आई के साथ हमारा एम का यूज है, आई एम फिर हमारा नॉट यूज हो रहा है और वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हो रही है यानी गोइंग. आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. नेक्स्ट वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल. तो यहाँ पे भी ही लगा हुआ है और इज नॉट का यूज हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग भी इसमें यूज हो रही है. नेक्स्ट वह स्कूल नहीं जा रही है, शी के साथ इज नॉट का यूज हो रहा है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग इसमें यूज हो रही है. वह स्कूल नहीं जा रही, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल. आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे अपने सेंटेंस वी के साथ हमारा क्या यूज होगा. हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, We are not going to school. यहाँ पे we के साथ are not का यूज़ हो रहा है, going हमारी क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है. नेक्स्ट तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, You are not going to school. You के साथ are not का यूज़ है और going हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, They are not going to school. तो इस तरह से हमारे निगेटिव सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं. हमने आपको बता दिया है कि आई वी यू दे के साथ हमारा कौन कैसे हमारा नॉट का यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट हम आ जाएंगे अब इंट्रोगेटिव फॉर्म्स. अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव फॉर्म्स के बारे में. ओके, इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में क्या होता है, एम आई गोइंग यानी हम प्रश्न वाचक सेंटेंस अपने बना रहे हैं. अगर हमें किसी से कुछ पूछना हो तो हम प्रश्न वाचक वाक्यों का यूज़ करेंगे जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो इसमें क्या है, आर यू वी दे गोइंग का यूज़ होगा और इस ही सी इट के साथ भी हमारा क्या होगा, गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग का यूज़ होगा. प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब हम इसके कुछ उदाहरण बच्चों आपको बता देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य हमें अगर किसी से कुछ पूछना हो या किसी के लिए कोई क्वेश्चंस करना हो तो हम कैसे हमारे सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे. तो पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ. हम अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो हमारा आ जाएगा एम हमारा पहले आ जाएगा, एम के साथ हमारा आई गोइंग टू स्कूल. फिर हमारी गोइंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी यूज़ होगी, आई के बाद गोइंग का यूज़ होगा. नेक्स्ट क्या वह स्कूल जा रहा है. अब देखो हम किसी और के लिए बोल रहे हैं तो इसके साथ ही इज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके साथ ही का यूज़ हो रहा है. ओके, यानी हम किसी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी प्रश्न पूछ रहे हैं तो गोइंग यहाँ पे भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी यूज़ है. क्या वह स्कूल जा रही है, इज शी गोइंग टू स्कूल. ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, इज शी का हमारा यूज़ हो रहा है, इसके साथ शी का यूज़ हो रहा है, गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट है. क्या हम स्कूल जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू स्कूल. ओके, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, अगर हम के लिए बात हो रही है तो आर हमारा वी से पहले लग जाएगा, आर के साथ वी का यूज़ होगा और गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. नेक्स्ट क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल. यहाँ पे भी आर यू हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओके। क्या वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल, आर के साथ दे का यूज है और गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव फॉर्म्स के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हमारा नॉट का यूज यानी निगेटिव फॉर्म्स हमारी कैसे आएगी, उसके भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे कहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हमारा नॉट का यूज कैसे और कहाँ पे होगा। एम आई नॉट गोइंग, अब अगर हमें इसमें ये लगाना है अपने लिए अगर हम बात की जाए तो हम एम हमारा पहले यूज होगा और आई के बाद हमारा नॉट का यूज होगा। आर यू वी दे के साथ हमारा नॉट गोइंग यूज होगा और आर नॉट यू दे के साथ हमारा गोइंग वर्ड हमारा आ जाएगा यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इज ही शी इट नॉट गोइंग के गोइंग और इज नॉट ही सी इट गोइंग का हमारा यूज होगा। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से है। सबसे पहले अगर हम अपना सेंटेंस बनाना है तो हमारा इज हमारा पहले आएगा, एम का हम यूज कर सकते हैं, अगर हमें वी के साथ हमारा कोई सेंटेंस है तो हम आर का यूज़ करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट का यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट प्लस और। इज नॉट आर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारी और ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, अब हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ नॉट का यूज़ कैसे होगा। तो आगे चलते हैं, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, ओके। तो इसमें अगर हम अपने लिए बात करें तो एम हमारा पहले आएगा, आई के बाद हमारा नॉट का यूज़ लगेगा यानी यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है और गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा जो पूरा सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव सेंटेंस हमारा शो कर रहा है। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, अब देखो क्या हम फिर भी हम प्रश्न कर रहे हैं, इज ही नॉट, इज ही के बाद हमारा नॉट लग रहा है, फिर हमारा गोइंग यूज़ हो रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, ओके। तो यहाँ पे भी क्या है हमारा इंट्रोगेटिव के साथ हमारा निगेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, क्या वह स्कूल नहीं जा रही है, अगर हम किसी लड़की के लिए बात करें तो यहाँ पे इसके बाद शी का यूज होगा और शी के बाद हमारा नॉट आएगा, फिर गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इज सी नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, अगर हम अपने लिए बहुत सारे लोगों के लिए यानी हम के लिए बात करें तो वी से पहले हम आर का यूज़ करेंगे, वी आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। ये भी हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आर यू से पहले हमारा आर का यूज़ है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फिर हम नॉट लगा दे रहे यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है और गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे भी देखो बच्चों दे से पहले हमारा आर लगा है, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, ओके। तो इस तरह से जो हमारे सेंटेंस हमने आपको पढ़ा दिए हैं वो है हमारे, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका था और उसमें हमने आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया है। तो बच्चों आप भी इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, ओके, टेक केयर।